मैं ऐसे आम के अचार बहुत आसानी के साथ बनाने की रेसिपी बताती हूँ। चलिए आइए देखिए उसका वीडियो। ये 1.5 किलो आम का मैं अचार बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने 50 ग्राम राई, 25 ग्राम धनिया, 1 चम्मच जवाइन, 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच कलौंजी और 2 चम्मच जीरा। जीरा देने से खुशबू भी अच्छा होता है और हमारे शरीर के लिए जीरा बहुत पौष्टिक है। ये सारी मसाला अचार के लिए बहुत पौष्टिक है, इसलिए मैं अब इसे कढ़ाई में लेकर भूनकर मसाला बना लेती हूँ। देखिए भूनकर मैंने ये दरदरा इसे अचार का मसाला मैंने बना लिया। अब आगे के प्रोसेस करती हूँ। आम को अचार बनाने के लिए मैंने इसमें मैं मसाला डाल देती हूँ। हल्दी बड़ा चम्मच से 1 चम्मच। हल्दी हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है, एंटीबायोटिक है। नमक स्वाद अनुसार इसमें मैं 3 चम्मच नमक दूंगी। ये 1.5 किलो आम है। इसमें 1 चम्मच जवाइन, 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी। और हींग है, हींग थोड़ा सा 1/4 चम्मच। लाल मिर्च मैं 2 चम्मच डालूंगी। अब इसमें मैं तेल डाल देती हूँ। अचार में तेल थोड़ा ज्यादा पड़ता है, लेकिन मैं 1.5 किलो में 300 ग्राम तेल डाली हूँ। ये 1 साल चलने वाला अचार है। ये 1 सप्ताह तक इसको धूप में रख दीजिए, 3 से 4 दिन तक। इसमें आपको इच्छा हो तो विनीगर दीजिए और नहीं इच्छा है तो मत दीजिए। मैं विनीगर इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि अचार ऐसे भी खराब नहीं होगा, क्योंकि मैं धूप में रखूंगी। अगर धूप में नहीं रखना है तो आप अचार में विनीगर और सिरका डाल सकते हो, आपके पास दोनों आइटम है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं नए नए इसलिए आम का रेसिपी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आम का मौसम आया है और फटाफट आम का अचार, आम का मीठा अचार, नमकीन अचार, मैं हर प्रकार के अचार बनाकर बताऊंगी। और मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।